बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी हम पढ़ेंगे थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है और उसके थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है एंड इट्स एग्जांपल्स। देखें, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो, यानी इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ दी प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल विच चेंजेस विच चेंज इन टेम्परेचर। यानी ये प्रॉपर्टी मटीरियल की वो होती है जो टेम्परेचर के चेंज के साथ चेंज हो जाती है। इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर में चेंज आती है वो भी चेंज हो जाती है। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड, या मैं भी इसको एक्स से ही करूँगा, रिप्रेजेंटेड कैपिटल एस से बाय कैपिटल एक्स। वुमन एक्स से लिए के जाता है। अब एग्जाम्पल्स क्या है जो चेंज होती है, एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए, एग्जाम्पल थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की ये है कि चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज ऐसा हो कि एक दफ़ा बढ़े तो एक दफ़ा कम हो, या बढ़े या कम हो। नंबर फर्स्ट मिसाल के तौर पर थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की मिसाल ये दे रहा हूँ कि वॉल्यूम ऑफ मरकरी, वॉल्यूम ऑफ मरकरी। दूसरा देखें, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल और अल्कोहल। ये देखें, देखें वॉल्यूम, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मरकरी का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है या इथेनॉल का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ये थर्मामीटर हैं। या फिर अगर एरिया इनका फिक्स हो, अगर मैं कहूँ कि लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, ये भी कह सकता हूँ, चंद मिसालें आनी चाहिए हमें लेंथ ऑफ मरकरी कॉलम, लेकिन ये बेसिकली एक ही होती है कॉलम व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया इज फिक्स्ड। ये बेसिकली सेम हो जाती है। अगर एग्जांपल तीन पूछे तो ये आप सेम है, ये एक ही लिखा करें। बहरहाल इसका ये फोर्थ में ये दे सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जैसे प्लाटिनम वायर की होती है। अच्छा, दूसरा ये भी दे सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमी कंडक्टर, जैसे थर्मिस्टर का, थर्मिस्टर का होता है। देखें, थर्मिस्टर के रेजिस्टर चेंज होने से टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जैसे प्लाटिनम वायर है, प्लाटिनम वायर या कोई भी वायर हो सकती है। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। मिसाल के तौर पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी वेरी करती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। अच्छा, इसी तरह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी वेरी करती हैं, और जो है मिसाल के तौर पर किनकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ अ ब्रास, लेंथ ऑफ अ ब्रास या किसी मेटल का भी, लेंथ ऑफ ब्रास और एनी मेटल, लेंथ वेरी कर जाती है, चेंज हो जाती है बिल्कुल। इस तरह हम और मिसाल दे सकते हैं कि रेडिएशन जो भी होती है हार्ड बॉडी जब, या फिलामेंट लैंप जब रेडिएशन देता है, रेडिएशन ऑफ अ फिलामेंट लैंप, रेडिएशन ऑफ अ फिलामेंट लैंप कह सकते हैं हम। फिलामेंट लैंप से जो रेडिएशन निकलती है उनकी हम कह सकते हैं कि, या कोई भी हार्ड बॉडी हो उसे। तो ये चंद एग्जांपल्स थी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी की। देखिए, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी होती क्या है, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी ये होती है कि थोड़ी सी भी चेंज आए, यानी बेसिकली अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वो चेंज हो जाती है, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है, इससे बने हुए नहीं। मिसाल के तौर पर रेजिस्टेंस ऑफ अ थर्मिस्टर है जो एनटीसी थर्मिस्टर है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस अगर टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होते हैं, लेकिन ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी बेसिकली वो चीज़ होगी जो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ वो चेंज हो। इतनी सारी मैंने आठ एग्जांपल्स दी हैं, आप देखें वॉल्यूम ऑफ मरकरी है,
वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल या अल्कोहल है, लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम है जब क्रॉस सेक्शन या फिक्स हो, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर है, रेस्ट ऑफ अ सेमीकंडक्टर। एक और चीज़ जो मैं इंपॉर्टेंट भूल गया वो होना चाहिए थर्मोकपल थर्मामीटर का, यानी ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल, ईएमएफ ऑफ थर्मोकपल, थर्मोकपल का ईएमएफ भी चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी हो सकती है यानी आप थर्मोकपल इफेक्ट या बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप थर्मामीटर प्रॉपर्टी कह सकते हैं, लेकिन ये चंद एग्जांपल्स मैंने दिए। तो ये एग्जांपल्स आपको कम से कम एटलीस्ट थ्री जो है तीन याद होने चाहिए।